उससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको मिलाऊंगा जहरा हसन से, जिनका बलोच बेकर्स के नाम से बेकरी है। अस्सलाम वालेकुम जहरा, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। मैं बिल्कुल ठीक। जहरा कब से कर रही हैं आप ये काम? ये काम मैं तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। 10 साल से? दैट्स अ लॉन्ग टाइम। तो ये स्टार्ट किया था मैंने तंजानिया से, क्योंकि मैं वहाँ रहती थी। अच्छा। अभी 1.5 साल हुए हैं मैं पाकिस्तान आई हूँ। ओके। तो यहाँ पे भी मैंने स्टार्ट किया है, ऑर्डर्स लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अब तंजानिया छोड़ के क्यों आने की क्या वजह थी? वो कोरोना का जो मसला हुआ था ना। अच्छा। लेकिन अभी अभी हस्बैंड वहीं पे हैं, मैं आ चुकी हूँ। अच्छा। इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं शेफ बन के प्रोफेशनल शेफ बनूं, फिर वापस वहाँ जाके काम करूँ। बेहतरीन, जबरदस्त। और अभी ऑनलाइन कर रही हैं काम? जी मैं ऑनलाइन कर रही हूं। और कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली आपने या सेल्फ टॉट है? नहीं सेल्फ टॉट है। सेल्फ टॉट। कुछ क्लासेस लिए हैं सर नईम से बेकिंग के हवाले से, बाकी मैं खुद कर लेती हूँ। अच्छा नौरीन, देखिए आपको क्या कुछ पूछना चाह रही हूँ। हाँ ये मतलब ये क्या चीज़ आपने? नौरीन को तो सुबह इतनी भूख लगती है, नौरीन के सवाल खत्म हो जाते हैं, सिर्फ नौरीन को ये हो रहा होता है। तो आप इतनी जबरदस्त चीजें क्यों लेके आते हैं? ये भी मेरी गलती है जी। बताएं जी, ये जो है अरबिक डिजर्ट है। ओके। हाँ केक बसबूसा। बसबूसा ये जब मैं सऊदी अरब में होती थी, क्योंकि मेरी पैदाइश भी वहाँ की है, तो वहाँ मैं बहुत शौक से खाती थी, और मुझे अरबिक डिजर्ट बेकिंग के हवाले से मुझे बहुत पसंद है बनाना, तो इसलिए मैं यहाँ लेकर आई हूँ, ताकि मैं इसे भी बताऊँ आप सब लोगों को कि अरबिक डिजर्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये आप ऑनलाइन कर रही हैं सारा काम? जी बेकिंग या कहीं कैंटीन्स में या किसी कॉलेजेस में? नहीं नहीं, होम शेफ हूँ और घर पे ही सब, घर से केटरिंग करती हूँ। ऑर्डर्स कैसे आते हैं आपके? अच्छे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, अभी तो स्टार्टिंग है। अच्छा ओके। और क्या इसकी प्राइस रेंज कितनी है? डिफरेंट प्राइस है, ग्राम के हिसाब से मैं बनाती हूँ, अगर हाफ के जी हो, 1 kg हो। लेकिन लेकिन ज्यादातर चीजें अभी कैफे टाइप की ही बना रही है ना, जो सैंडविचेस है। हाँ। वो कढ़ाइयां और सालन और नहीं, नहीं, नहीं वो सब नहीं बनाती। हाँ बना तो लेती हूँ सब कुछ मुझे, लेकिन अब बिजनेस के तौर पर सिर्फ ये है, बिजनेस के तौर पर सिर्फ बेकिंग कर, बेकिंग और सैंडविचेस। जबरदस्त जहरा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। सर मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ आपको यहाँ देख के, मैं जो जिस लिए आई हूँ वो बयान करूं या आपकी तारीफ बयान करूं? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप झूठ बोल रही हैं। ये तो सच बोल रही हैं। नहीं सर सच में, आपके ड्रामे या सीरियल्स इतनी मैं देखती हूं और आज आपको सामने देख रही हूं, मैं इतनी एक्साइटेड हूं क्या बताऊं। थैंक यू, इनसे बोला भी नहीं जा रहा। थैंक यू सो, थैंक यू सो मच। मैं कब से सोच रही हूं ना कि मैं क्या बोलूं, मैं ये बयान करूं या आपकी तारीफ बयान करूं। अरे वाह क्या बात, क्या बात है भाई। जहरा जहरा मेरे ख्याल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ये चीजें बहुत ही जबरदस्त लग रही है, और बलोच बेकर्स के नाम से आप कर रही है। बलोच बेकर्स का इंस्टाग्राम का पेज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है खवातीन हजरात, और उसके बाद आपका रोजी इमरान का जो सोशल मीडिया का लिंक है अब वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और अब शाजी उबैद का जो तवाज़ो का जो ब्रांड है उसका जो सोशल मीडिया के लिंक से आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगी शाजिया जाते जाते आप ऑडियंस से? जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली कस्टमाइज आर्टिकल्स पे काम करती हूँ ना। हाँ। तो जो मेरे अपने क्लाइंट्स हैं वो अपने डिजाइनर भी बन सकते हैं, तो इसका बड़ा मौका है। और दूसरा मैं ये आपके लिए भी एक गिफ्ट लाई थी, उस पर अभी ज़हरा बात करी थी कि आपकी तारीफ बयान करूं, तो मैं ये कहूंगी कि अभी लास्ट टाइम जो आपने एक ड्रामा गंजा हाशमी के साथ प्ले किया था, मेरे बन जाओ, तो इतना अच्छा नेगेटिव रोल था कि हकीकत में नफरत हो गई थी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया, थैंक यू रोजी आपका और आपका भी। खबर वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के।